गिवन क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स आर 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर. ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ देयर कॉमन कॉर्ड इज 6 सेंटीमीटर देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स. ठीक है, इन रफली मैं आपको एक समझाता हूँ कि आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, और एक दूसरा सर्कल, कि दूसरा सर्कल थोड़ा सा हम इसको छोटा बनाएंगे. ठीक है, एक दूसरा सर्कल है, ठीक है, फर्स्ट करें तो टू रेडियाई इंटरसेक्टिंग. ठीक है, ये सर्कल का डिस्टेंस है तो ये हुआ रेडियस. ठीक है, और इसका ये सेंटर है तो ये एक रेडियस. रेडियस रेडियस आपस में इसका बन जाता है रेडियाई. ठीक है, तो दो रेडियाई मिलकर इंटरसेक्ट हो रहे कहाँ पर, 10 सेंटीमीटर पे. ठीक है, और दूसरा 8 सेंटीमीटर पे. क्लियर? तो इनका जो लेंथ क्या रहा है, कॉमन कॉर्ड. ठीक है, ये कॉर्ड जो रेडियस 8 सेंटीमीटर वाला है, ठीक है, इसका भी कॉर्ड है, और 10 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल इसका भी कॉर्ड कॉमन है. ठीक है, और इनका जो डिस्टेंस है वो क्या, इसका जो इसकी जो लेंथ है कॉर्ड की, वो बता रहा है कि 6 सेंटीमीटर है. क्लियर? हमने फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, इनके सेंटर से जो डिस्टेंस है उसको फाइंड करना है. हमने फाइंड करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको फाइंड करना है. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, हम डायग्राम की मदद से इसको एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे. तो डायग्राम यहाँ पर हमने यहाँ पे शो किया आपको. देखें तो हमने फाइंड क्या करना है, ओ से सी तक का डिस्टेंस फाइंड करना है. जो चीज़ हमारे पास गिवन है हम उसको लिखेंगे यहाँ पर. तो सॉल्यूशन में डायरेक्ट हम कैलकुलेशन से स्टार्ट करते हैं. कैलकुलेशन क्या क्या हमने हमारे पास क्या गिवन है, ए बी लाइन जो कि परपेंडिकुलर है ओ सी पर. ठीक है, ए बी लाइन देखें, ये लाइन, ठीक है, परपेंडिकुलर है ओ सी पर. एंड यहाँ पर एक पॉइंट हमने लिया है एम, एंड एम इज देयर देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. एम जो है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो इन ट्राइंगल ओ एम ए. ओ एम ए कहाँ बन रहा है, ओ एम ए. ठीक है, ये पोर्शन ट्राइंगल ओ एम ए, ट्राइंगल ओ एम ए इसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, इसमें जो साइड गिवन है, मेजर ऑफ ओ ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. ठीक है, ओ से लेकर ए तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 10 सेंटीमीटर है. ठीक है, एंड मेजर ऑफ ए एम, ठीक है, ए से लेकर एम तक का डिस्टेंस जो कि आपके पास है, ठीक है, ए से लेकर एम तक का डिस्टेंस, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस क्या है, 3 सेंटीमीटर. कैसे, क्योंकि हमें यहाँ पर गिवन है कि जो कॉर्ड है उसका लेंथ 6 सेंटीमीटर है. ठीक है, और ए बी परपेंडिकुलर यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है ओ सी को. ठीक है, एज यहाँ लिखे एज मेयर ऑफ ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे क्यों लगा रहे हैं, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारे पास ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस पता है जो कि हाइपोटेन्यूस है, और ए से लेकर एम तक का डिस्टेंस पता है, हमने ओ से एम तक डिस्टेंस फाइंड करना है. ठीक है, तो यहाँ पे लिखे
मेयर ऑफ ओ एम, ठीक है, हमें ओ से लेकर एम तक का डिस्टेंस चाहिए, तो मेयर ऑफ ओ एम इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मेयर ऑफ ओ ए, ये इसको शॉर्ट एम यहाँ पे लिखे, बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटनियस का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है ए एम, वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो ओ एम हमने फाइंड करना है, ठीक है, मेयर ऑफ ओ एम तो स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड होगी, ठीक है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड पे यहाँ पे रूट लगेगा और ओ एम की जो वैल्यू है वो है 10 माइनस मेयर ऑफ ए एम की वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर होगा, तो मेयर ऑफ ओ एम इक्वल टू अंडर रूट 10 का स्क्वायर हुआ 100 माइनस 3 का स्क्वायर हुआ 9, ठीक है, तो मेयर ऑफ ओ एम इक्वल टू 9.54 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है, तो मेयर ऑफ ओ एम मीन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी हमारे पास आ गए, ठीक है, यहाँ तक का डिस्टेंस। अब हमें एम से सी तक का या सी एम चाहिए, ठीक है, एम सी, इसके लिए भी हम यही पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले ट्राइंगल पहले डिफाइन करें, ट्राइंगल कौन सा है, इन ट्राइंगल ए एम सी, ए एम सी, ठीक है, ए एम सी, ठीक है, ए एम सी, इसमें मेयर ऑफ सी ए, ठीक है, सी ए, सी ए कौन सा है, रेडियस है जो कि गिवन है 8 सेंटीमीटर, ए एम जो कि 3 सेंटीमीटर है, तो अगेन हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ए एम हमारे पास है, ए सी भी है, अगेन हमने बेस 5 पे फाइंड करना है, ठीक है, एम सी, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम मेयर ऑफ एम सी, ठीक है, इक्वल टू अंडर रूट मेयर ऑफ सी ए लाइन का होल स्क्वायर माइनस मेयर ऑफ ए एम लाइन का होल स्क्वायर होल अंडर रूट, वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, मेयर ऑफ एम सी इक्वल टू अंडर रूट सी ए आपके पास है 8, तो 8 का स्क्वायर आया माइनस ए एम आपके पास है 3 का स्क्वायर, ठीक है, तो मेयर ऑफ एम सी इक्वल टू अंडर रूट 64 माइनस 9, ठीक है, तो ये आपके पास आएगा मेयर ऑफ एम सी इक्वल टू 7.42 सेंटीमीटर। हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है यहाँ पे, ओ से सी तक का डिस्टेंस, ठीक है, तो दस ओ सी मेयर ऑफ ओ सी लाइन इक्वल टू क्या होगा, मेयर ऑफ ओ एम लाइन प्लस मेयर ऑफ एम सी लाइन, ठीक है, ओ एम से और एम सी लाइन का जो सम है वो आपके पास आएगा मेयर ऑफ ओ सी, ठीक है, तो मेयर ऑफ ओ एम आपके पास है 9.54
प्लस मेयर ऑफ एमसी है 7.42, ठीक है। तो मेयर ऑफ ओसी इक्वल टू 60.96 सेंटीमीटर। Which is our required answer?